आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस नेता अमीन पठान की मुश्किलें बढ़ी हैं। आपको बता दें कि प्रोटेक्शन वारंट पर अरेस्ट हो सकते हैं अमीन पठान। एक हफ्ते से कोटा सेंट्रल जेल में अमीन पठान बंद है। अमीन पठान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। चौकीदार के परिवार को बंधक बनाने का आरोप है और बंधक बना करके पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट देने का दबाव बनाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अमीन पठान की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्या कुछ अभी अपडेट आपके पास? देखिए, प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमीन पठान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब और बढ़ती दिख रही है क्योंकि बीते एक हफ्ते से कोटा सेंट्रल जेल में बंद है। जमानत जो उनकी 3 बार अब तक खारिज हो गई है और ऐसे में अब अमीन पठान प्रोडक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तार हो सकता है। आपको बता दें कि वन विभाग की तरफ से मामला दर्ज कराया गया था राजकार्य में बाधा का, जिस मामले में पहले ही उन्हें जमानत नहीं मिली और अब ऐसे में एक और मामला अमीन पठान के खिलाफ दर्ज हुआ है, जिसमें चौकीदार के की रिपोर्ट पर अमीन पठान के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। चौकीदार के परिवार को बंधक बनाकर पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट देने का दबाव अमीन पठान ने बनाया था। इस तरह की रिपोर्ट चौकीदार की तरफ से दी गई और चौकीदार की रिपोर्ट पर अब उल्टे ही अमीन पठान के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। तो ऐसे में पहले ही वन विभाग की तरफ से राजकार्य में बाधा का मामला, जो सरकारी कामकाज है उसे प्रभावित करने का मामला, कार्रवाई को प्रभावित करने का मामला, अब एक और मामला दर्ज हो गया है जिसमें चौकीदार की रिपोर्ट पर ये पूरा की पूरा मामला दर्ज हुआ है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रोडक्शन वारंट पर अगर फिर गिरफ्तार होते हैं तो उनकी जो मुसीबत है वो बढ़ सकती है। ठीक है, आप इस पूरे खबर पर नजर बनाकर के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। दिल्ली में आज शाम बीजेपी की बैठक होगी। राजस्थान समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी, दिल्ली में आज शाम बीजेपी की यह बैठक होने जा रही है जिसमें राजस्थान समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर चिंतन और मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहेंगे और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में चुनाव और उससे पहले लगातार बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है और आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण और ये कहा जा रहा है कि इसमें नामों को लेकर के चर्चा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार उम्मेदवार बेनीवाल बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे। बाड़मेर पहुंचने पर जगह जगह उनका स्वागत किया गया। बेनीवाल के साथ बायतों विधायक हरीश चौधरी, पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उम्मेदवार ने कहा कि जनता केंद्र की बीजेपी सरकार को समझ चुकी है और कांग्रेस की ओर देख रही है। हम इस बार चुनाव जीतेंगे और इस बार बड़ा बदलाव होगा। की टीम से पूरे बाड़मेर जिले की टीम ने और कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर भरोसा करके और शीर्ष नेतृत्व में भरोसा करके कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार बनाया बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरी बाड़मेर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी भावनाओं को समझकर पार्टी ने यह निर्णय लिया। और अलवर जिले में एक बार फिर गौकशी की वारदात हुई है जिसके बाद लोगों में गुस्सा है। हालांकि अलवर से ऐसी खबर पहली बार सामने नहीं आई है, इससे पहले भी अलवर को ऐसी घटनाओं ने बदनाम किया है। और गौकशी और कौन है गौकशी करने वाले, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान का अलवर और अरावली की पहाड़ियों में बसा इंदौर गांव। आपने इस गांव का नाम कभी सुना है? अगर नहीं तो हम आपको इस गांव में हो रहे ऐसा बर्बर कांड बताएंगे जिसके बाद आप कभी इस गांव को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस गांव में बीफ मंडी लगती है। बीफ मंडी मतलब गायों को काटा जाता है और उसका मांस बेचा जाता है। गौ तस्करी के लिए कुख्यात ये गांव अब चर्चाओं में आ गया है। वैसे तो आप इस गांव को मेवात में ही मानकर चलिए, क्योंकि एक तरफ हरियाणा का मुस्लिम बहुल जिला नू इस गांव के साथ लगता है। पूरी घटना का खुलासा गाय चोरी की वारदात के बाद हुआ।
अगर इसी गांव के रविंद्र मेघवाल की दो गाय 19 मार्च को चोरी नहीं हुई होती तो रविंद्र मेघवाल जब अपनी गाय को ढूंढने के लिए निकला तो गाय के पैर के निशान जंगल की तरफ जाते हुए मिले, जिसके बाद रविंद्र 6 से 7 लोगों को लेकर पहाड़ पर गाय की तलाश में पहुंच गया। लेकिन पहाड़ पर पहुंचकर जो रविंद्र ने देखा वो हैरान करने वाला था। पहाड़ पर गायों के अवशेष ही अवशेष थे, दूर दूर तक गायों के कंकाल ही कंकाल बिखरे पड़े थे, जहां चारों ओर बदबू आ रही थी। इस दौरान कुछ लोग भी वहां गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे थे। उनकी नजर जैसे ही रविंद्र और उसके साथ आए लोगों पर पड़ी तो वे छुरा लेकर उनके पीछे भागे। इन सभी ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित रविंद्र ने 21 मार्च को चौपानकी थाने में अपनी गाय के लापता होने और गौकशी का मामला दर्ज करवाया। थोड़ी देर में मेरी डिस्कशन होगी एसपी साहब, कलेक्टर साहब से भी, और निश्चित तौर पे ये सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करके उसकी अब तक की कार्रवाई का जो आंकलन और आगे की कार्य योजना हो सकती। अब आप सोचिए कि आपके शहर में आपके घर के पास ऐसी घटनाएं भी घट रही हैं और गौकशी करने वाले का साहस भी इतना है कि वो बेखौफ होकर बिना डरे ऐसी वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल पुलिस से भी है, क्योंकि समय समय पर ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रही। पुलिस ने गौ तस्करों को पकड़ा भी, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जालौर के भीनमाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, युवक के अपहरण की कोशिश की गई है। पिस्टल के दम पर युवक के अपहरण की कोशिश की गई है। कार सवार बदमाशों ने किडनैपिंग का प्रयास किया है और लग्जरी कार में सवार होकर के ये सभी बदमाश आए थे। वारदात नाकाम होने के बाद बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो युवक के अपहरण की कोशिश की गई है। जालौर के भीनमाल से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लग्जरी कार में सवार होकर के ये सभी बदमाश आए थे और अपहरण करने की इन्होंने कोशिश की। वारदात नाकाम होने के बाद से बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो पिस्टल के दम पर युवक के साथ अपहरण की कोशिश यहां पर की गई। पिस्टल के दम पर यहां पर देखिए कुछ बदमाश आए थे और युवक को अपने साथ ले जाने की कोशिश, अपहरण करने की कोशिश, और जैसे ही पुलिस को सूचना लगी पुलिस मौके पर पहुंची। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो जालौर के भीनमाल से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस खबर से समझ सकते हैं। जहां पर बदमाश आते हैं और युवक को अपहरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनका प्रयास है वो सफल नहीं हो पाता और वो फरार हो जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रेवा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवा, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, कौन थे ये बदमाश, कहां से आए थे और किस युवक को अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे? जी, अभी उन बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जिस युवक की वहां पे अपहरण करने का प्रयास किया गया वो युवक सतर्क होने के कारण जो है वो बच पाया था। लेकिन ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं यदि पुलिस प्रशासन या फिर पुलिस की जो वहां पे गश्त वगैरह जो होती है उसकी कमी देखने में आई है। उस युवक ने बताया कि जो चार बदमाश थे उन्होंने अपने तरीके से पिस्टल की नोक पर उसको अपहरण करने का प्रयास किया था, लेकिन समय के ऊपर उसकी सतर्कता से उसकी जान बच पाई। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो युवक के अपहरण की कोशिश की गई है। जालौर के भीनमाल से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पिस्टल के दम पर कुछ बदमाश आए और युवक को अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन उनका जो प्रयास वो नाकाम रहा, उसके बाद से वो फरार हो गए। और जैसलमेर से बड़ी जानकारी, कैलाश चौधरी का जैसलमेर दौरा आज रहने वाला है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार जैसलमेर पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्यालय पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कैलाश चौधरी का जगह जगह स्वागत होगा। बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कैलाश चौधरी का जगह जगह स्वागत आज किया जाएगा और बीजेपी कार्यालय पर
पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी आज कैलाश चौधरी लेने वाले हैं। तो कैलाश चौधरी का आज जैसलमेर दौरा रहने वाला है और प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार जैसलमेर पहुंच रहे हैं। मिशन 25 को साकार करने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और सूबे के मुखिया को चुनाव के काम में किसी तरीके की लापरवाही नहीं चाहिए, इसलिए जयपुर में आयोजित बैठक में उन्होंने विधायकों और मंत्रियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। होली का त्यौहार मनाना, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये संयोग है कि होली मनेगी और फिर 4 जून को भी होली मनेगी। चुनाव की रणभेरी बजते ही सियासत के सुरमा दम थोकने लगे, प्रचंड जीत के दावे करने लगे। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय पर मैराथन बैठकों का दौर चला जिसमें मिशन 25 को लेकर मंथन हुआ और जीत की रणनीति बनी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार बड़ा अच्छा संयोग बना है, देश 24 और 25 जून को भी होली मनाएगा और 4 जून को भी होली मनाएगा। राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी और देश में 400 पार सीटें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएंगे और तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सीएम भजन लाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। सीएम ने मंत्रियों और विधायकों को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की 10 साल की योजनाओं और मौजूदा सरकार के 3 महीने के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएं और बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनवाएं। खबर है कि सीएम ने जन प्रतिनिधियों से अपने अपने दायित्व के साथ चुनाव में जुट जाने की अपील की ताकि प्रदेश से 25 की 25 सीटें जीतकर पीएम मोदी की झोली में डाली जा सके। खबर है कि बैठक में हर बूथ पर 350 से अधिक वोट पार्टी के पक्ष में डलवाने का लक्ष्य दिया गया है। सतीश पुनिया ने सीकर सीट पर कांग्रेस और माकपा के गठबंधन पर भी अपनी ही शैली में प्रहार किया। आपको बताते चले कि सीकर में माकपा के अमरा राम उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो खाते ही फ्रीज किए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को ही फ्रीज कर दिया जो विपक्षी दल का दर्जा नहीं पा सकी और अब छोटे छोटे दलों के दरवाजे पर मोहताज हो गई एक एक सीट के लिए। प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटों के लिए बीजेपी ने 8 क्लस्टर बनाए हैं जिसमें बीजेपी माइक्रो लेवल पर चुनावी रणनीति तय कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अब तक 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 9 प्रत्याशियों ने 10 नामांकन पत्र भरा है। शुक्रवार को कुल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रस्तुत किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि गंगानगर और बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर और दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक एक प्रत्याशी ने अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। और ग्राफिक्स के जरिए देखिए पहले चरण में कहां कहां चुनाव होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान की अगर बात कर ले तो श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, यहां पर पहले चरण को चुनाव होने हैं। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, करौली, धौलपुर और नागौर 19 अप्रैल, जो कि पहला चरण, यही पर चुनाव होने हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। भारत में इस्लामिक स्टेट नेटवर्क से जुड़े 3 आतंकियों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दाखिल किया है। इन तीनों पर भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने में थे शामिल होने का आरोप है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन IS के मॉड्यूल मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए एक मामले में तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। इस मामले में कई अन्य आरोपियों का बयान जो है वो दर्ज किया गया और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश के दौरान ये पाया कि उन तीन संदिग्ध ऐसे आतंकी जिसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र से है और ये इन राज्यों में एक बड़े एक आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए अलग अलग युवाओं को अपने इस गैंग में शामिल करने की तैयारी कर रहे थे। एनआईए के विशेष अदालत पटियाला हाउस में आरोप पत्र दायर किया गया। आरोपियों पर आईएएस मॉड्यूल के माध्यम से आईएएस के लिए विस्फोटक बनाने, भर्ती करने, धन जुटाने की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने बयान में कहा कि आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मोहम्मद रिजवान अशरफ, उत्तराखंड के देहरादून के मोहम्मद अरशद वारसी और झारखंड के हजारीबाग के मोहम्मद शहनवाज आलम के रूप में हुई है। तीनों आरोपित आईएस के भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने में शामिल थे। जांच एजेंसी एनआईए की तफ्तीश के दौरान ये भी बात सामने आई है कि उन संदिग्ध आतंकियों ने बम बनाने की ट्रेनिंग भी हासिल की और उसके बाद उसका परीक्षण भी राजस्थान के कुछ विशेष इलाकों में किया और हालांकि जिस तरह से बम की तकनीक को उसने हासिल किया और उसके साथ साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि कई वीवीआईपी जो ऐसे लोग हैं जो कई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की एक साजिश रची गई थी और इसके लिए कई युवाओं को उस आतंकी संगठन में जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश जारी है। शंकर आनंद, न्यूज 18।